हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान किसी भी वाहन की बिना चेकिंग के नो एंट्री है, इसके लिए बाकायदा जिला में पूरी तरह से सीलबंदी की गई है। हमीरपुर के प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों के द्वारा पूरी चौकसी रखते हुए वाहनों की पड़ताल के साथ कर्फ्यू पास को देखा जा रहा है और अब रजिस्टर में वाहनों के नंबर के अलावा पूरा नाम पता भी लिखा जा रहा है ताकि कोरोना मामले में कोई कोताही न बरती जाए। हमीरपुर के अणु चौक, पक्का ब्रो चौक, बाईपास चौक, दुसड़का चौक के अलावा बड़सर में ऊना से प्रवेश द्वार पर भी वाहनों की पड़ताल करने के बाद ही जिला में प्रवेश करने दिया जा रहा है। अणु चौक पर तैनात हेड कांस्टेबल पवन कुमार ने बताया कि हमीरपुर में बाहर से आ रही गाड़ियों की पूरी पड़ताल के बाद ही जाने दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले वाहनों को लाल रंग की स्याही से नोट किया जा रहा है और बाकी वाहनों की एंट्री भी रजिस्टर में की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए लोगों को मौके पर जागरूक भी किया जा रहा है। पर मैं बाहर से गाड़ियां आ रही है उनको हम एंट्री डालने हैं रेड पेन से, और जो अपने दूसरे हैं हॉस्पिटल या फिर परमिशन के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं हमारे, उनको हम एंट्री डाल के भेज रहे हैं नीचे को। बाकी जो बाहर से आ रहे हैं एंट्री रेड से डाल रहे हैं, जितने बंदे गाड़ी में होंगे उनका सभी का एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर वगैरह। हिमाचल के बाहर की आ रहे हैं लोग, उनके साथ क्या मतलब यहां पे बाहर से उनकी भी एंट्री होगी सर पूरी, जो हमें आदेश है। बाकी तो नहीं मेरे को पता क्या करना है उनका, तो यहाँ पे एंट्री डालनी है जो बाहर से आ रहे हैं हिमाचल के, कोई भी नहीं जाएगा, एड्रेस डाल लिखने हैं सबके जो बाहर से, जैसे चंडीगढ़ से आ रहा है कोई, लुधियाना से आ रहा है कोई, यो एंट्री डालनी है उनकी, जितने बंदे गाड़ी में हो गए उनकी एंट्री डालनी है हमें, बस ये है।